हेलो गाइस, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स? टुडे वी सी चैप्टर 10 ऑफ 10th क्लास सोशल साइंस। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 10 स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। ठीक है, मध्य प्रदेश की किस स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ? मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ? इस ऑप्शन देख लेते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, पंडित शंभुनाथ शुक्ल। ठीक है, इसका राइट आंसर आ जाएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भोपाल के विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? भोपाल के विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? सेठ गोविंद दास, बरकतुल्लाह, हरिसिंह, रानी दुर्गावती। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बरकतुल्लाह। ठीक है, बरकतुल्लाह के नाम से रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पे। झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल। तो इसमें से राइट आंसर आ जाएगा जबलपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क नंबर पे दिया गया है, ग्रामीण ढिमरपुरा में हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से डेडेस ने निवास किया था। तो इसका आंसर आ जाएगा चंद्रशेखर आजाद ने निवास किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रानी अवंतीबाई डेजे जिले के रामगढ़ की रानी थी। ठीक है, तो रानी अवंतीबाई मंडला जिले के रामगढ़ की रानी थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने डेजे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया। रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ी मिलाइए। हमें यहाँ पर सही जोड़ी मैच करना है। जंगल सत्याग्रह को हमें सिवनी से मैच कर देना है। ठीक है, चावल आंदोलन को हमें रीवा से मैच कर देना है। ठीक है, चावल आंदोलन को रीवा से मैच कर देना है। सराफा कांड को इंदौर से मैच कर देना है। ठीक है, चरम पादुका गोली कांड को छतरपुर से मैच कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अति लघुतरी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर आ जाएगा चंद्रशेखर आजाद का जन्म अलीराजपुर जिले के भाबरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म अलीराजपुर जिले के भाबरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्थापित संस्थाओं के नाम लिखिए। इसका आंसर आ जाएगा गुरुकुल 1929 सतना, हिंदुस्तानी सेवा दल 1931 चरखा संघ रीवा, ग्वालियर राज्य सेवा संघ तथा हरिजन सेवक संघ 1935 ग्वालियर, लोक सेवा संघ 1939 खरगोन, ग्राम सेवा कुटीर 1935 सेंधवा, सेवा समिति बैतूल, सेवा मंडल रतलाम, ज्ञान प्रकाश मंडल इंदौर आदि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान
भारत में अनेक राजनीतिक दलों एवं समाज सेवी संस्थाओं का गठन हुआ, जिनकी रीति नीति कांग्रेस ने से पृथक थी, परंतु आंदोलन में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। ठीक है, परंतु आंदोलन में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आजाद हिंद फौज के किस सेनानी का संबंध शिवपुरी जिले से था? आजाद हिंद फौज के किस सेनानी का संबंध शिवपुरी जिले से था? इसका आंसर आ जाएगा, आजाद हिंद फौज के कर्नल गुरुवश सिंह ढिल्लन का संबंध शिवपुरी शिवपुर जिले से था। ठीक है, आजाद हिंद फौज के कर्नल गुरुवश सिंह ढिल्लन का संबंध शिवपुरी जिले से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न देख लेते हैं हम। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न में फर्स्ट नंबर भी दिया गया है, मध्य प्रदेश के राष्ट्र चेतना की जागृति हेतु प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के नाम लिखिए। मध्य प्रदेश के राष्ट्र चेतना की जागृति हेतु प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के नाम लिखिए। इसका आंसर आ जाएगा, समाचार पत्रों के नाम प्रमुख थे। ठीक है, समाचार पत्रों के नाम प्रमुख थे, कर्मवीर अंकुश सुबोध सिंधु, कर्मवीर अंकुश सुबोध सिंधु खंडवा, न्यायसुदा हरदा, आर्यवैभव बुरहानपुर, लोकमत जबलपुर, प्रजा मंडल पत्रिका इंदौर, शरत वसी विलास जबलपुर, साप्ताहिक आवाज एवं शुभ वतन भोपाल आदि ब्रिटिश शासन के प्रतिबंधों के कारण जब समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हो सके। ठीक है, जब समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हो सके, गुप्त रूप से बुलेटिन एवं चर्चों से जनजागृति को कार्य किया गया है। ठीक है, जन जागृति को कार्य किया गया है। ठीक है,